हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे हों दोस्त। तो देख सकते हैं दोस्त, ये आज ट्रेंच कटिंग यहाँ होता है। इसको केबल लाइन का जो काम होता है वो केबल लाइन के काम में मशीन आया है, ठीक है? तो यहाँ इसको बोलते हैं ट्रेंच कटिंग। तो ट्रेंच जो होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा। जैसे हम लोग का पाइपलाइन का काम होता है, हम लोग के देश में जो पाइपलाइन का काम होता है वो ड्रिंग लाइन का काम होता है, उस वो भी ट्रेंच होता है, लेकिन वो बड़ा होता है। और ये जो है केबल के लिए, तो यहाँ पत्थर है ना, तो यहाँ मशीन है, तो ये पत्थर से मशीन तोड़ देंगे तो फिर जेसीबी खाली करे। तो आज बात करने वाले हैं दोस्तों, जेसीबी जो ऑपरेटर है, जेसीबी मशीन चलाने का, उनका क्या सैलरी है, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो में बने रहिए, आज जेसीबी ऑपरेटर से बात करेंगे, ठीक है? बात करके बतलाते हैं क्या सैलरी। तो ये आप समझ गए होंगे, ये सिटी में ट्रेंच आप किसको बोला जाता है, ये चीज़ आपको मालूम हो गया, ट्रेंच का काम बोला जाएगा। तो इसी तरह देख लीजिए, यहाँ डीप ये ज़्यादा नहीं है, ये आपको 90-80 सेंटी मारना है, हमको 1 मीटर का है तो 90-80 मारना है। तो ये देखिए दोस्तों, लेबर जो है यहाँ सब नेपाल के हैं। इसमें जितना लेबर काम करते हैं सब नेपाल के हैं, पाकिस्तान के बहुत कम है, ठीक है? और ये जो गली है ये मोहल्ला का अंदर का गली है, और यहाँ काम चल रहा है मेन रास्ता में, ये मेन रास्ता में। और ये जो जेसीबी का ऑपरेटर है, ठीक है, ये जेसीबी का ऑपरेटर जो है, एक दो चल रहा है, एक में इंडिया का है, इंडियन है वो यूपी के हैं, और एक पाकिस्तानी जो पंजाब के हैं, ठीक है? तो इन लोग से हम बात किए थे दोस्तों, तो बात करने के बाद कैमरा के सामने कोई नहीं आने खोज रहे हैं, ठीक है दोस्तों? ये देखिए ये गाड़ी कितना है, सब रोड पे पार्किंग है। और ये जो घर सब नज़र आ रहा है ये रेंट पर मिलता है, यहाँ रेंट का घर जो होगा इसी तरह टाइप पर मिलेगा। यह सब अजनबी लोग रेंट पर, सुरी, मिस्री, सऊदी, ये लोग को मिलता है, फैमिली वाले को, ठीक है? तो जेसीबी में चलिए बात करते हैं। जेसीबी में तो जेसीबी में भी देखिए 1500 इन लोग का पेमेंट है, ठीक है, 1500 है, और एक आदमी का 1700 है, ठीक है, एक आदमी का 1700 है। इन लोग का ओवर टाइम हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ओवर टाइम बेसिक सैलरी ऐसे भी देखिए हर लाइन में, पोकलैंड में भी आई है तो 1500 ही है, 1700 है, जेसीबी में भी वही है 1700-1800। पुराना होने के बाद धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा देते हैं वो लोग सैलरी, तो फिर बढ़ जाता है, लेकिन बेसिक सैलरी जो है 1700-1500 मिल रहा है इनको, एक आदमी को मिल रहा है इसमें 1700। तो शायद होंगे पुराना, ठीक है, पीछे जो मशीन चल रहा है सर 1700 है, इनका 1500 है, ठीक है? तो इनमें लेबर जो है, लेबर क्या बोलते हैं, लेबर जो है ये लोग का पेमेंट है 1000, 1000+200 है लेबर का। तो लेबर में जितना इधर में अभी जो 7-8 आदमी है काम करते हैं वो लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्त? और ये वाला जो देखिए गाड़ी है ये चल रहा है, इसमें भी रोपकाट ये नेपाल के है चला रहे हैं जो, ये तो ये लेबर में थे, धीरे धीरे यहाँ हसाब कर लिए। तो इसी तरह कंपनी में रहने से ना धीरे धीरे सीख लेता आदमी, तो यही फ़ायदा होता है कि अगर जो आदमी तेज है वो आदमी काम सीख लिया, फिर आगे बढ़ जाएगा तो एक एग्जिट लगा के दूसरा बार काम में आएगा। जैसे भी यहाँ पर जो कटिंग हुआ माल निकला है वो सबको यहाँ लोडिंग किया जा रहा है, इधर उधर आप नहीं डाल सकते ना। और ये बॉब काट वो जमा कर रहा है, तो बॉब काट का भी आपको बता दें, बॉब काट का भी सैलरी जो है, बॉब काट का भी सैलरी वही है 1500 ही है, लेकिन बॉब काट के यहाँ देखते हैं ज़्यादा करके कंपनी में है, तो इंडिया पाकिस्तान वाले जो भी है, नेपाल वाले जो भी है चलाते हैं, लेकिन लोकल में ज़्यादा करके ये सुर्री, खुद सुर्री लोग रखे हुए हैं तो सुर्री लोग चलाते हैं। सऊदी से का इसका वीज़ा बहुत कम मिलेगा अलग से, ये लेबर लोग को सिखा के ये सब करके चला लेते हैं कंपनी लोग यहाँ आने के बाद, तो इनका उतना वीज़ा नहीं मिलता है। लेकिन जानकारी रहने से अगर पोपकट का आता है तो वही होगा आपको, 1300-1400 सैलरी है। तो ये जो है इनसे बात किए थे तो ये बोले हम यहीं पर सीखे हैं, तो अभी वही दे रहा है, मतलब 1000 ही दे रहा है। तो चलिए जो भी है, लेबर से तो अच्छा है ना।
मशीन में चला ले रहे हैं, हाथ साफ हो गया इनका, सीख लिए, तो ये फ़ायदा है यहाँ। ठीक है दोस्त, तो जेसीबी का जो कमेंट था भाई का, पाकिस्तान से कमेंट था भाई का, तो उनको पता चल गया होगा कि ये जेसीबी का मतलब क्या है सैलरी। ठीक है, जेसीबी का क्या सैलरी है, ये यहाँ काम का तरीका, बालू डाला गया, पाइप नीचे डाला गया, देखे थे ये प्लास्टिक इसलिए डाला जा रहा है ना, 300 प्लास्टिक डाल दिया, अगर खुदाई होगा तो अगला को पहले प्लास्टिक मिलेगा, समझ में आएगा ये 3 पाइप है यहाँ से कनेक्शन, इसी हिसाब से काम किया जा रहा है, यहाँ काम का तरीका ये है।